टीकमगढ़ में सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के नाम से जुड़ा एक न्यायवाद सामने आया है। आरोप है कि उनके समर्थकों ने एक किसान की कृषि भूमि से जबरन रास्ता छीनने का प्रयास किया है। पीड़ित किसान जगदीश साहू का कहना है कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद खटीक और उनके परिजन उन पर दबाव बना रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस भी इस मामले में संलग्न है। जगदीश ने बताया कि जब पुलिस और तहसीलदार उनके खेत पर पहुंचे तो अरविंद खटीक अपने समर्थकों के साथ वहां मौजूद थे। हालांकि मीडिया के होने के कारण जबरन कार्यवाही नहीं की जा सकी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। तो हम बता देते हैं, उनका जो आदेश हुआ हमको तहसीलदार का, तहसीलदार साहब आके नीचे जवाब लगाओ, हमने पढ़ो के तहत 27 तारीख लगी, 27 तारीख को के बाद बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसमें 27 तारीख न्यायालय में केस चल रहा है हमारी तहसील न्यायालय में, तो 27 तारीख पेशी लगी हुई है, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर आज 22 तारीख है, 27 तारीख को आपके लिए पेशी लगी हुई है, 22 तारीख को आना कैसे हुआ सर? ये कोई 250 का केस है, इसमें अंतरिम आदेश अभी तक नहीं हुआ है। इस कारण से मौके पर हमने इनके लिए रास्ता खुलवाने के लिए जो आवेदन दिया था आवेदक के द्वारा, उसकी जाँच करने के लिए भेजा गया था टीम को। ठीक है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।